तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो 5.3 एक्सरसाइज का है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन गिवन क्या है। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि यह दिया है सम ऑफ फर्स्ट सेवन सम, यानी कि S7 दिया है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, ये भी सम ही दिया है अपने को, 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि एस फाइंड करना है, यानी कि दो इक्वेशन दिया है तो हम लोग को एस एन का फॉर्मूला लगाना है और एस एन फाइंड करना है, फिर दूसरा फॉर्मूले से S17 फाइंड करना है, और इस तरीके से हम लोग को ए और डी, जैसे हम लोग ए एन में करते हैं कि जो गिवन है उससे ही स्टार्ट करेंगे और हम लोग को वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलते जाता है। दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो S7 दिया तो S7 को अप्लाई करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन का वैल्यू 7 गिवन है, एस एन एन का वैल्यू पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 7 इन फॉर्मूला S7, एन वैल्यू 7, 7 डिवाइड बाय 2, 2, ए का वैल्यू नहीं दिया है S7 माइनस 1, डी का वैल्यू भी नहीं दिया है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 7 बाय 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d, सो 7 माइनस अपॉन 2 है। S7 का वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना दिया है 49, 49 डिवाइड बाय 7 बाय 2, 2a प्लस 6d, सो 49 इंटू 2 7, 2a प्लस 6d, 49 इंटू 2 इज 49 इंटू 2, 2 9 जा 18, 24 जा 89, 98, 7, हियर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई में 7 है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 7, सो वी गेट 2a प्लस 6d, सो 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 98 करेंगे, 7 वन जा 7, 2 28, 7 फोर जा 28, यानी कि 14 आएगा, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, सो इक्वेशन 1। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 मिल गया हम लोग को। सो हम लोग को S17 में फाइंड करना है, तो एस एन का वैल्यू हम लोग 17 पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 17, एस 17 पुट किया, ए एन अपॉन 2 होता है फॉर्मूला, 17 अपॉन 2, 2a ए प्लस एन माइनस 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 डी, 17 अपॉन 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इज 16d, S17 इज 289, 289 इंटू 2 डिवाइड बाय 17, 2a प्लस 6d, 16d। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 289 इंटू 2 डिवाइड बाय 17, तो डिवाइड करेंगे 17 से 289 को, 17 टू जार 17, सो 871, 2 में से 1 गया 1, 9, 17 7 जा इज 119, यानी कि 17 17 से कैंसिल हो गया, या 17 का हम लोग स्क्वायर जानते हैं 289 होता है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 17 इंटू 2 इज 434 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, यहाँ से हम लोग को इक्वेशन मिल गया 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a और d का वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को क्या आया था, दो इक्वेशन, सो इक्वेशन 1 क्या आया था 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और इक्वेशन 2 आया था हम लोग को 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं 34 टू ए प्लस 16d, इक्वेशन क्या है 2 है, और 1 को हम लोग लिखते हैं 2a प्लस 6d, क्योंकि ये देखो हम लोग को दो जो सेम दिखेंगे तो हम लोग उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो हम माइनस करेंगे तो माइनस का साइन, माइनस 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 सबको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस था ये कैंसिल हो गया। अब 34 में से 14 माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2,
और 16 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है तो 10d, तो 10 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू डी, 10 टू जा 20, डी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से डी का वैल्यू 2 मिल गया हम लोग को, डी का वैल्यू 2 मिल गया। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन रख देंगे, इक्वेशन वर्ड में डी इज इक्वल टू 2, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, ये इक्वेशन 1 था। 14 डी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, 6 इंटू डी का वैल्यू 2, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 टू जा 12, यहाँ पे 14 था। अब यहाँ पे प्लस में 12 था तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 12 इक्वल टू 2a, 14 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे वो 2 यहाँ पे a हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। अपने को a का वैल्यू और d का वैल्यू मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एस एन फाइंड कर सकते हैं। अपने को क्या फाइंड करने को बोला है, एस एन, ओनली एस एन बोला है। तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है। तो हम लोग को एस एन फाइंड करना है, एन अपॉन टू 2, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है तो एन पर 1 पुट कर दिया, एन का वैल्यू नहीं गिवन है, एन को एन एज इट इज रखा। डी का वैल्यू क्या है, 2 है, एन अपॉन टू 2 1 2 प्लस एन माइनस 1 इज एन माइनस 1 2 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2 प्लस 2 2 का मल्टीप्लीकेशन पूरे एन माइनस 1 में कर देंगे, 2n माइनस 2, यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो n बाय 2 इज 2n, तो 2 2 यहाँ कैंसिल हो गया तो n इंटू n हो जाएगा, n इंटू n, n का स्क्वायर हो जाएगा एस एन। तो हम लोग को क्या आ गया, n एस एन का वैल्यू एन का स्क्वायर। अली भाई से जुड़े रहिए, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।